ਸੱਸਾਂ ਮਾਰਦਾ ਏ ਠਾਠਾ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਦਾ ਤੁੱਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਜੱਗ ਤੇ ਜਮਾਨਾ ਜਾਣਦਾ ਸਟਰ ਰੁਤਬਾ ਹੀ ਦੇਖ ਵੈਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਸਾਰਦਾ ਬਾਬਾ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਤਲਾਵਾਂ ਜਾਂਦਾ ਗੁੱਡੀ ਚਾਰਦਾ सो अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। लास्ट वीडियो भाई हमने बंद करी थी यहाँ पर, आज यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। सुबह के बज गए हैं भाई 4:30 एंड निकल रहे हैं हम गुड़गांव ऑफ रोडिंग इवेंट के लिए। दोनों जहाज तैयार हैं निकलने के लिए, एक ये जहाज है एक ये जहाज है। मुझे तो लगता आप सोए नहीं, रात को नींद नहीं आई है, क्या बात कर रहे हो यार। मैं एक घंटा सो रहा हूँ और नींद बिना अलार्म के गई, बिना अलार्म के। मैं भाई क्या कहते हैं 4 बजे अलार्म बजा मेरा भाई का, तो पहली मैसेज आया हुआ गुड मॉर्निंग का के उठ गया हूँ मैं। जिसने जाना होता है ना एक्साइटमेंट होती है उस दिन, नींद आती नहीं है उस दिन। तो भाई देख सकते हो 4:38 टाइम हो गया, जिस दिन जाना होता है ना भाई की हेडलाइट बहुत तेज है। अब लग रहा है आगे से पता चलता है कैसा लगता है दूसरे वालों को जब मैं मारता हूँ। इसके अंदर भी आफ्टर मार्केट प्रोजेक्टर वगैरह ये सब लगा हुआ है। अरे वो की कहाँ भाई, हेडलाइट तो बहुत ही तेज है सही में। पूरा अंधा कर दिया इसने, हाइट थोड़ी ज्यादा है ना उसकी वजह से। वैसे खुद को पता नहीं चलता ना, दूसरी गाड़ी से लगी लाइट तो पता चल रहा है कैसा लगता है। सही बात है, सही बात है। आपकी कार में फ्यूल डलवाना है आपने? अभी मेरी रेंज 150 किलोमीटर से तो डलवाना पड़ेगा। देखते हैं, बाहर ही है मेरे घर के, ये वाला खुला है तो मैं भी यहीं से टॉप अप करवा लूंगा अपना। ये पानीपत के बाद भी डलवा सकते हैं अगर जरूरत। हाँ कर सकते हैं, मेरा तो चल जाएगा काम, 350 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। पानीपत के आसपास डलवाते हैं फिर। ठीक है गुरुजी। तो भाई 5:08 बढ़े हैं और एग्जैक्टली 20-25 मिनट में हम पहुंच चुके हैं पानीपत। हरी भाई के एंडेवर में फ्यूल अप करवा रहे हैं, मेरी में तो अभी काफ़ी रेंज पड़ी है, जरूरत नहीं पड़ेगी एंडेवर में डलवा रहे हैं क्योंकि एंडेवर चंडीगढ़ जाइए ना, कल काफ़ी तेल कल पी भी लिया। और भाई बहुत सही सस्पेंशन है ये एंडेवर का, प्रोफेंडर वाला। कोई अगर भाई डलवाना चाहता है तो आयरन मैन से भी बेटर लगा मेरे को तो, टू बी ऑनेस्ट। आप बेफिक्र होकर डलवा सकते हो प्रोफेंडर किंग सीरीज, मतलब मज़ा आ जाएगा यार। आज इसको आज हम एडजस्ट भी करेंगे इसके अंदर, मतलब 8 क्लिक्स तक आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। 8 इज स्टिफेस्ट सेटिंग, अभी करेंटली 4th सेटिंग पे चल रहा है जो मीडियम सेटिंग है, बोथ फॉर ऑन एंड ऑफ रोड। और आज का भाई पूरा वीडियो ऑफ रोडिंग और गाड़ियों से रिलेटेड रहने वाला है, तो एक भी चीज़ मिस मत करना, बहुत मज़ा आने वाला है। और अपने भाई इंतजार कर रहे हैं, सबसे मिलवाएंगे आपको। क्या क्या ला रहे हैं? काजू काजू खाओ भाई काजू। अरे वाह, आगे आएगा ढाबा वो कुछ लेना हो तो उससे। काजू खा लो, थोड़ा मूड चलता रहेगा। ठीक है चलो। तो भाई एक स्टॉप लिया था छोटी सी स्टोरी बनाने के लिए इंस्टा पे। 1 घंटा और लगेगा यहाँ से गुड़गांव, JNP पे चढ़ गए, अब सीधा रुकेंगे हमारे आज के मीटिंग पॉइंट पे। वहाँ चल के आपको समझाते हैं कि आज का इवेंट कहाँ है, क्यों है और कैसे है। तो वीडियो में बने रहिए। A few moments later.
तो भाई लास्ट ब्रेक था ये, यहाँ पे सारा मीटअप हो गया। अपने ईशु भाई भी आ गए यहाँ पर, इनसे और मिलवा दे। राम राम करवाए था, रुको रुको अभी थोड़ा जूम इन करते हैं, पहचान में नहीं आ रहे भाई ने थोड़ी दाढ़ी दूड़ी बढ़ा रखी है आजकल। तो भाई अब निकलेंगे यहाँ से, और यहाँ से 15 मिनट का रास्ता और दिखा रहा है ऑफ रोडिंग का, तो वहीं चल के थोड़ी बातचीत करते हैं। ये मैनुअल है, फॉर्चूनर स्टॉक है बट 4x4 मैनुअल। ये रहे अपने हैरी भाई, ये अपने ईशु भाई, ये आपका अभय भाई। आज थोड़ा ना एनर्जी लेवल देख रहे आप, चाहे 4 घंटे की नींद हो भाई, ये शौक चीज ही ऐसी है, जो अपनी पसंद की चीज होती है ना, उसके एनर्जी लेवल ऐसे आर पार का हो जाता है। तो भाई पहुंच चुके हैं हम आज के वेन्यू पर, यंस एडवेंचर मोटर स्पोर्ट्स। भाई ये गुड़गांव फरीदाबाद रोड पर पड़ता है, और यहाँ काफ़ी तरह की गाड़ियाँ आई हुई हैं, देख सकते हो हाइलक्स, स्कॉर्पियो, जिमनी, सुजो, अपनी भी हैं। 4-5 ऑब्स्टेकल है भाई यहाँ पे, एक तो ये डाउन हिल वाला है, ये अप हिल वाला है, आगे भी एक, देखते हैं कैसा क्या है। स्कॉर्पियो सो भाई प्लान ऐसा है, अब हमने ऑब्स्टेकल देख लिए हैं, अब अपनी गाड़ियाँ टेस्ट करने की बारी है। एक यहाँ पर पानी वाला भी है, इसमें स्लश है, तो अरे आराम से आराम से आराम से। जिमनी बहुत कैपेबल है यार इन सिचुएशन में, क्योंकि छोटी गाड़ी है ना, लाइट वेट है। एक अभी वहाँ नीचे थार फंस गई है, देखो भाई एक झोटा और आ गया, काफ़ी काम हो रखा है भाई इसके ऊपर भी। इसके पीछे पीछे ले लो इसके, स्कॉर्पियन के बाद हैरी भाई के एंडेवर लेके चलेंगे इसमें, फिर देखते हैं कैसा रहता है इसका। वन मोर हाइलक्स, आज अब देखते हैं भाई, जरा प्रो फेंडर का कमाल और काट लो मेरी तरफ। अब देखते हैं भाई हैरी भाई के एंडेवर क्या कमाल करती है। ओ भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नाइस, बहुत स्मूथली गई, एकदम प्यार से गई है, बिल्कुल एफर्टलेस। क्या इशू भाई, क्या कहना फिर, पास है लौंडा, लौंडा पास है, एकदम स्मूथ आई है बिल्कुल। लाओ फिर जरा आपका, आप जरा लाओ फिर मैनुअल वाली भी। भाई से लेते हैं जरा रिव्यू, हाँ जी कैसा रहा एक्सपीरियंस? इजी है, बहुत इजी है भाई, इसमें तो जोर सा लगा ही नहीं एंडेवर का, तो नहीं लगता। लो में चलाई है, हाई में थी, लो में थी, मैंने रेस नहीं दिया, बहुत ही आराम से आई है स्मूथली। मैंने तो क्लाइंब कर ली है ये वाली अटेम्प्ट, बट अब अपने भाई बहुत एक्साइटेड है क्लाइंब करने के लिए, कहते हैं ट्राई करना है, तो अब करवाते हैं इनको ट्राई, देखते हैं फॉर्च्यूनर कैसे परफॉर्म करती है। हाँ जी नर्वस हो थोड़े से? नर्वस तो हूँ यार, सच बताऊँ तो कभी, क्योंकि खुदा ही नहीं ना, कुछ भी फील नहीं होगा, कुछ भी फील नहीं होगा, टेक इट इजी।
आराम से जाएगी, ये भी कोई टेंशन नहीं। फर्स्ट टाइम करा है मैंने ये। ये तो बहुत नॉर्मल है, नॉर्मल था बट कभी किया नहीं ना यार। ये तो बच्चों वाला है, अभी आपको एडवांस में जाना है भाई। सही में किया नहीं है, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था ये। एक्साइटमेंट रही ना, अब डर निकल गया होगा थोड़ा सा। तो पहला ट्रैक भाई दोनों गाड़ियों ने सक्सेसफुली कर लिया है। एंडेवर ने बेंचमार्क सेट करा पहली बारी में, फिर अपनी फॉर्च्यूनर ने करा दूसरे ट्राई में। हाँ इसमें भी हुई होगी। अब करेंगे आर्टिकुलेशन वाला टेस्ट, नेक्स्ट ट्रैक ये वाला है। ये वाले पे देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस रहता है दोनों गाड़ियों का। तो स्कॉर्पियो के बाद एंडेवर ले जाते हैं, फिर अपनी फॉर्च्यूनर। और आप कब लेके जाओगे? ला रहा हूं भाई। वो खड़ा होगा, टायर ऊपर उठ गया उसका, पावर ही नहीं आ रही उसमें। अच्छा अरे वाह, गाड़ी बंद होगी ना, गाड़ी बंद होगी, स्टॉल होगी, मैनुअल मैनुअल है ये, बंद होगी गाड़ी से। पर यहाँ पे भाई आपकी जो आर्टिकुलेशन होती है ना, जो सस्पेंशन ट्रैवल है, यहाँ पता चलेगा गाड़ी का कितना ट्रैवल है और क्या है। वो देखो मैंने क्या बोला था, कंट्रोल कर थोड़ा, अभी आखिरी रह गया कंट्रोल में आना। इनकी बंद हो रही है ना, मैनुअल है बार बार। चलो चलो अब एंडेवर का चेक करते हैं आर्टिकुलेशन कैसा क्या रहता है। आराम से, बिल्कुल आराम से जाने दो, सीधा सीधा हैंडल सीधा। चलो नहीं हो रहा, लो में है, हाई में है, लो में लगाओ, लो में लो, आराम से आराम से। ये टायर देख सकते हो आप, हवा में है, इसमें पावर बिल्कुल नहीं जा रही है, ये अंदर जा चुका। देखना कितना फ्लेक्स आ रखा है पिछले टायर में। इसका फ्लेक्स बहुत ज्यादा है इसके अंदर। ओ नाइस, 3.2 है ना, 3 इसके, इसमें वो है ना किंग सीरीज डला हुआ है प्रो फेंडर। आराम से आराम से आराम से आराम से। अब होगी फॉर्च्यूनर की आर्टिकुलेशन चेक। 4x4 हाई, 4x4 हाई, ट्रैक्शन ऑफ मत करना, ट्रैक्शन ऑन है, 4x4 हाई, फर्स्ट गियर, लेट्स गो। आर्टिकुलेशन बहुत अच्छी हो जाती है आफ्टर मार्केट सस्पेंशन के साथ। टायर्स उधर को, लेफ्ट को थोड़े से, बस चलो सीधा चलो, रेस मत करो, ओवर रेस मत करो। वेरी गुड, बहुत अच्छे, ओवर रेस नहीं करनी है, बस प्यार से जाने दो, जाने दो, जा रही है जा रही है। हाँ हल्के से राइट को टर्न स्टीयरिंग, हल्का सा, चलो चलो चलो, रेस को ओवर मत करना, रेस बस चलो 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 चलो, इसी स्पीड में जाओ, बहुत अच्छा, टायर प्रेशर काम कर रहा है, चलो चलो चलो, कहीं नहीं जाए, फन है ना, चलो 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 चलो, निकल गई। अपनी लेफ्ट साइड को रखना थोड़ा सा, लेफ्ट साइड को, लेफ्ट साइड को, बस राइट को, बहुत इजीली निकल गई। तो भाई एक नया ऑब्स्टेकल ट्राई कर रहे हैं अब, यहाँ डिप है, फिर ऊपर इंक्लाइन, देन अगेन डिप, अच्छा था ये भी। तो इशू भाई की फॉर्च्यूनर ट्राई कर रहे हैं इस पर, हमारी हम कर चुके हैं बट वीडियो नहीं बनाई, बनाएंगे उसकी भी,
एक बार स्टॉक फॉर्च्यूनर भी देखते हैं कैसे करती है। स्टॉक फॉर्च्यूनर 2020 मैनुअल 4x4 बहुत रेयर है गाड़ी, मैनुअल बहुत कम होती है, अगर होती है तो 4x4। चलो चलो हाई वन इनका फर्स्ट में जाएगी, आराम से वन में जाएगी। डीएसी है ना इसके अंदर? डीएसी तो है। हाँ तो डीएसी ऑन कर दो, नीचे उतरने के बाद बंद कर देना। अच्छा। पहले गियर पे रखो, इसमें तो क्लच है, क्लच छोड़ के अपना इंजन ब्रेक लगेगी, ब्रेक मत दबाना ज़्यादा और ज़्यादा रेस भी मत देना, इंजन ब्रेकिंग से नीचे जाने दो। प्यार से बिल्कुल इजी इजी ऊपर जाके हैंडल सीधा रखना, बिल्कुल फर्स्ट गियर में मोमेंटम से। ठीक है चलो, बहुत बढ़िया, आराम से ऊपर, बहुत बढ़िया, हल्का राइट, स्टेयरिंग सीधा, आराम जाने दो, डीएसी और इंजन ब्रेकिंग से नीचे जाने दो। चलो बहुत बढ़िया गई है एकदम, सीधा रखो अपना, देखो लाइन देखो, राइट 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 राइट, हल्का राइट, हाँ सीधा, अब आराम से जाने दो नीचे, प्यार से, स्पीड नहीं कंट्रोल्ड, हाँ बहुत बढ़िया, निकल गई। एक और नया ट्रैक है आर्टिकुलेशन वाला, इसमें फिर गाड़ी टेस्ट कर रहे हैं, पहले एंडेवर देन फॉर्च्यूनर, अब देखते हैं जरा कैसा रहता है। वो बाइक देखो शीशा उतारो, शीशा सुनो, बिल्कुल आराम से चलना है, वीडियो बनानी है आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, चलो बिल्कुल स्लो, राइट रखो थोड़ी राइट, ज्यादा नहीं हल्की, अब ये उठेगी लेफ्ट से, चलो 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 आराम से बिल्कुल, ओ नाइस, ये देखो हैं सीधा कर लिया, ओ देखो भाई फ्लेक्स, सीधा टायर सीधा टायर सीधा, बहुत बढ़िया नाइस। हल्का सा राइट, चलो 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 चलो, हाँ जी कैसा महसूस कर रहे हैं? उठाओ पीछे से टायर, कुछ नहीं उठाया, चलो आप, हाँ हाँ दो रे, चलो चलो चलो, स्ट्रेट चलो, लेफ्ट को हल्का सा, लेफ्ट को राइट को, बस आने को, कैसा फील कर रहे हैं? एक बार तो पड़ती है यार ऊपर, जब ऐसे जाती है ना डर लगता है, लगता है ये खिड़की से ही बाहर निकल जाएंगे। फॉर्च्यूनर की बारी, स्टॉक मतलब मैनुअल, चलो जी प्यार से जाना एकदम से, बीच में पूरी फील आएगी, हाँ आराम से, अब पता चलेगा स्लो तो एक बार उठ लेने दो, अरे चलो चलो आराम से, राइट में रखो राइट में, राइट चलो चलो, अरे चलो यार नहीं है जितना अंदर से भाई, अंदर चलो चलो चलो, निकल गई आराम से, अभी उठेगी ना ये, चलो 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 आराम से।
इस पॉइंट पे भाई फट जाती हूँ आराम से। तो भाई अपने ग्रुप में एक और गाड़ी अब आ रही है, ये टाइप 2 फॉर्चुनर है जो ओल्ड शेप आती थी, 4x4 है, अपने निर्भय सिंह बेदी भाई है उनकी गाड़ी है। जरा आप इसकी और टेस्टिंग लेते हैं कैसा परफॉर्म करती है ये। अरे वो तो बच्चों का खेल है, जहाँ आओ फिर आएगा मजा। भाई का नंबर जी बड़ा शानदार है, HNN 40। बिल्कुल कर रहे हैं। अरे स्टॉक ही थी उनकी भी, उसमें बेदी साहब बैठे हैं, स्टॉक का रह गई है। जान दो आराम आराम से। राइट राइट राइट। अब देखते हैं भाई टाइप 2। अब उठेगी, इसमें फुल टाइम 4 व्हील ड्राइव है ना। आराम से चलो प्यार से। देख सकते हो पिछला टायर हवा में है, ट्रैक्शन अगलों पे ही है। आराम से सीधा। नॉट बैड बहुत बढ़िया। बता दो ने, लेफ्ट रखो, लेफ्ट सीधी जान दो। तो भाई यहाँ का तो हमारा एडवेंचर हो गया ख़त्म, अब कहीं और चलने का प्लान है। एक बार सारी गाड़ी लाइन अप करके फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं, फिर यहाँ से चलते हैं किसी और ट्रैक पे। तो एक फ़ोटो क्लिक करते हैं ग्रुप की, फिर निकलते हैं भाई यहाँ से। A few moments later. तो भाई एक बढ़िया ब्रेक लिया हमने यहाँ, थ्रॉटल। किसी को बाइकर कैफे आना हो या खाना पीना हो तो यहाँ आ जाना भाई। तो इससे ऊपर भाई कोई जगह नहीं है दिल्ली गुड़गांव में बाइकर्स के लिए या गाड़ी शौकीन लोगों के लिए। पेट फ्रेंडली प्रॉपर्टी है, यहाँ के ओनर से अगर मिलने का आपको मौका मिला जैसे हमें मिला तो और ही मज़ा आ जाएगा। बड़े नाइस बंदे हैं, बड़े बस क्या ही बताऊँ, मिलोगे तो समझ जाओगे आप। और एक से एक आपको शौकीन चीज़ें, कलेक्टेबल आइटम आपको यहाँ मिल जाएंगी। फिलहाल चल रहे हैं भाई निर्भय भाई के साथ, एक बार इनका एक कैफ़े लेपर्ड रेल पे भी है तो वहाँ भी चलेंगे। तो लो भाई गुड़गांव के पहाड़ में आपका स्वागत है, 40 डिग्री गर्मी और ये हरे भरे पहाड़। वेलकम टू गुरुग्राम। ये सारी अरावली हिल्स की रेंज है भाई, सूखे पहाड़। यहीं पर लेपर ट्रेल है, वहाँ पर भी आप ऑफ रोडिंग करनी है तो छोटी मोटी ट्रेल्स इधर भी हैं सेंटर तक। हाँ, और वहीं से वापस ले लेंगे ऊपर जाने। सुनो सेंटर वाला है ना जो जहाँ बैठे थे वहीं तक लेना, वहाँ तक जाती है ठीक है, नहीं तो ऊपर घुमाने की दिक्कत हो सकती है। एक बार बस नॉर्मल आइडिया लेते हैं। तो भाई एक यहाँ ऑफ रोड ट्रेल था लेपर ट्रेल पे, यहाँ लेके आए थे फॉर्चूनर, जहाँ तक लाई फिर रोक दी, रिस्क नहीं ले रहे क्योंकि भाई बहुत तगड़ा ट्रैक है, ख़राब हो गया ये। अब एक बार एंडेवर जा रही है तो लेट्स सी, अगर एंडेवर चली जाती है फिर हम अपनी फॉर्चूनर में भी ट्राई करेंगे। भाई यहाँ खड्डा बहुत ज़्यादा है, लोगों ने ना ख़राब कर दी गेट। आ जाओ अब देखते हैं एंडेवर क्या कर पाती है। ये कैमरे में समझ नहीं आ रहा होगा भाई, बहुत खड्डा है इसके अंदर, यहाँ इतना बड़ा डिप है। बहुत बढ़िया अरे वाह बहुत बढ़िया भाई साहब भाई मान गया क्रेजी। यार आप एक बार ना इस खड्डे के पास जाना, मैं एक बार ये दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ कितना बड़ा खड्डा था ये जिसमें गाड़ी निकली है। ये वीडियो में समझ नहीं आ रहा, नेक्स्ट लेवल डिप था ये। मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच के आसपास है तो देख लो भाई, इतना बड़ा डिप था ना ये। मान गया भाई सस्पेंशन को और गाड़ी को। अभी सस्पेंशन ट्यून नहीं है ऑफरोड के लिए। हाँ, 4 सेटिंग पे है ना। हाँ। है ऊपर घुमाने की जगह, बहुत जगह। ले आओ आ जाओ फिर। देखो एक तो मोमेंटम नहीं तोड़ना, हाँ। पहला ट्रिक, दूसरा स्टीयरिंग पे बहुत अच्छा कंट्रोल होना चाहिए क्योंकि स्टीयरिंग घूमेगा इधर उधर मारेगा आपको, कुछ नहीं होगा, डरना नहीं, बस पकड़ के रखो स्टीयरिंग टाइट।
भाई गजब खड्डा हो रखा है यहाँ पे, देख रहे हो, आराम से निकलेगी, बस रेस नहीं छोड़ना। आगे 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 तो भाई मैं तो नहीं ले जा पा रहा यहाँ से, कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा, मतलब मेरे लिए थोड़ा एक्सट्रीम लग रहा है। देखो झूठ क्या बोलना, मैं कोई प्रो ऑफ रोडर तो हूँ नहीं, जितना लग रहा है मेरे से मैं ट्राई कर रहा हूँ, बट इससे ज़्यादा मैं गाड़ी को भाई पुश नहीं कर पा रहा अभी, क्योंकि कुछ चीज़ें अभी हैं जो टूट सकती हैं, तो मेरे को अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। बाकी एंडेवर चली गई है, बहुत बढ़िया परफॉर्म करा एंडेवर ने, नीचे आ रही है वापस, तो कहीं और चलते हैं बाकी यहाँ से। यहाँ भाई एंडेवर को मान गया मैं, उसका सस्पेंशन भी खैर अलग है, टायर साइज भी अलग है, मे भी हो सकता है हमारा थोड़ा ओवर साइज टायर का भी नुकसान हो सकता है इन जगहों पर। तो भाई आज का वीडियो के हम लास्ट चरण पे आ गए हैं, यहाँ से अपना गुड बाय होगा गुड़गांव के लिए, अभी भाई के कैफे आ गए हैं, एक छोटा छोटा था गुड़गांव फरीदाबाद रोड पर, यह है लेपर्ड ट्रेल, बहुत सुंदर है भाई, अरावली हिल्स के साइड में बना हुआ है। हाँ वो जबरदस्ती बैठ सकते हैं, वरना इसमें एडल्ट टू सीटर है भाई। ये भाई की एडवेंचर बाइक है भाई, बता रहे हैं कहाँ से करवाई है, इम्पोर्ट है ये भाई, आती तो चाइना साइड से ही है, ठीक है, बट एक फ्रेंड के थ्रू करवाई थी ये, सीएफ मोटो और यामा, मतलब केटीएम और यामा का कोलैबोरेशन, इसमें तो एक्चुअल प्रॉपर गाड़ी वाला है, प्रॉपर गाड़ी, और इसमें विंच भी है भाई, कंपनी फिटेड ना, विंच भी है, ऑल व्हील 4x4 है विद डिफलॉक, विद डिफलॉक और 4x4 लोअर हाई दोनों के रेशियो, ठीक है, इसमें कुछ रियर व्हील ड्राइव, ये नई वाली थार है, ये पुरानी वाली है, बड़े काम की बात है। लेटर दैट सेम इवनिंग, तो भाई आज के दिन की यहीं तक था भाई, आज का दिन ख़त्म करते हैं, शाम के बज गए 4, सुबह 4 बजे उठे थे, 12 घंटे हो गए, हैरी भाई से भी लेते हैं अलविदा और मिलते हैं बहुत जल्द चंडीगढ़ में। कैसा रहा आज का, आया कुछ मज़ा? फुल मज़ा है, हैरी भाई ने भाई दिल जीत लिया, एंडेवर ने भाई वहाँ से निकल गई जहाँ से हम भी नहीं निकल पाए, सीखना पड़ेगा यार ऑफ रोडिंग ना, अगली बार आएंगे तो चंडीगढ़ में करेंगे साथ में ऑफ रोडिंग। सो गाइज ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, मैं भी थक चुका हूँ, काफ़ी लंबा दिन हो गया, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर करना, ऐसी वीडियोस हम लाते रहते हैं और भी बहुत कुछ लेके आएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा। I won't look back ever.